हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज फिर स्वागत है आपका इस कक्षा में। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4 और चैप्टर थर्ड है, ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसके ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तीन कंडीशन दी हुई है, यहाँ तीन स्थितियां हैं। पहली तो ये है, आपने ये बताना है किसका होना निश्चित है, फिक्स है, लेकिन जरूर होगा, अवश्य होगा, निश्चित है। किसका होना असंभव है, अगर वो असंभव होगा मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है। और तीसरी स्थिति ये है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब देखिए पहली क्या है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, निश्चित है, क्योंकि कल जितनी आयु मेरी थी उससे एक दिन बड़ा हो गया हूं आज, तो उससे अधिक आयु के हैं, तो यहां लिखेंगे ये निश्चित है, तो यहां लिख दो निश्चित है। ठीक है। सेकेंड है, एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उस पर चित या पट यानी कि हेड या टेल आता है, लेकिन यहां क्या कहा गया है, चित ही आएगा, चित आएगा। तो इसमें हम क्या, कौन सी स्थिति है, ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, तो ये हम लिखेंगे हो सकता है। परंतु निश्चित नहीं, ठीक है, यानी कि चित आ सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। निश्चित इसलिए नहीं क्योंकि उछालने पर हेड भी आ सकता है, वो पट भी आ सकता है, तो इसलिए हमने लिख दिया हो सकता है परंतु निश्चित नहीं है। एक पासे को फेंकने पर आठ आएगा। अब पासा आपने देखा है, सांप सीढ़ी खेलते हैं बच्चे, उस पे संख्या क्या लिखी होती है, 1 2 3 4 5 और 6, बस यही संख्या होती है। और यह क्या है, पासा अगर हम फेंकें तो उसमें आठ आएगा, आठ कैसे आएगा, उसमें आठ होता ही नहीं है, तो ये तो ये स्थिति है, असंभव है, असंभव है। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, क्योंकि लाइट ग्रीन यानी हरी या लाल रेड दिखाई देती है, तो हम अगले ट्रैफिक लाइट पे जाएंगे तो हो सकता है वहां हरी ही हो लेकिन निश्चित नहीं है, लाल भी हो सकती है, तो इसमें लिखेंगे हो सकता है परंतु निश्चित नहीं है, हो सकता है परंतु निश्चित नहीं। और ये है, कल बादल घिरे होंगे, ये भी हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं, बादल होंगे ना होंगे दोनों बातें, तो इसमें हम लिख सकते हैं हो सकता है परंतु निश्चित नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बे में छह कंचे हैं, जिन पर एक से छह संख्याएं अंकित हैं, यानी कि छह कंचे हैं डिब्बे के अंदर। पहले कंचे पर एक लिखा हुआ है, दूसरे पे दो, तीसरे पे तीन, चौथे पे चार, पांचवें पे पांच और छठे पे छह संख्याएं अंकित की गई है। हमने बताना क्या है, संख्या दो वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, यानी कि वहां उस डिब्बे में से हम बिना देखे एक कंचा निकालें और उस कंचे पे दो लिखा हो,
इसकी कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं? प्रायिकता। और प्रायिकता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दो चीज इसमें ढूंढनी पड़ती है सवाल में। दो चीज क्या? एक तो अनुकूल परिणाम कितने हैं। देखिए यहां अनुकूल परिणामों की संख्या, एक तो ये हमने ढूंढनी है इसमें कितने अनुकूल परिणाम है यानी कि, और दूसरा हमने लिखना है संभाव्य परिणाम, टोटल कितने उसमें केसेस हैं यानी कि कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। ये दो चीज हमने ढूंढनी है, इसके बाद हम प्रायिकता आसानी से बता सकते हैं कितनी आएगी। अनुकूल क्या होता है? अनुकूल परिणाम क्या है? अब जो हमसे पूछा गया है वो उसमें कितने हैं उसको हम अनुकूल कहते हैं। हमसे पूछा क्या गया है? दो आना चाहिए कंचे के ऊपर लिखा। अब हमें देखना है कि डिब्बे में ऐसे कितने कंचे हैं जिसके ऊपर दो लिखा हुआ है, वो उनको कहते हैं हम अनुकूल परिणाम। वो तो एक ही कंचा है साधु जिसके ऊपर दो लिखा है। और कुल संभाव्य परिणामों की संख्या यानी कि टोटल कितने हैं उसमें, टोटल उस डिब्बे में कितने कंचे हैं, वो 6 है। अब हमने प्रायिकता बतानी है, तो प्रायिकता के लिए हमने क्या करना है, इसके बटे ये कर देते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, या इसको कह सकते हैं 1/6 आ जाए। समझ गए? ये है प्रायिकता का हमारा, या लिख भी सकते हैं प्रायिकता का सूत्र, यही लिख दो, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। ये सूत्र है हमारा प्रायिकता निकालने का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट में ये लिखा है कि संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। अब हमें यहां भी वही दो चीज निकालनी है। कौन सी दो चीज? अनुकूल परिणामों की संख्या और दूसरा हमें निकालना है कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। ये दो चीजें हमने निकालनी है। अब उस डिब्बे के अंदर ऐसे कितने कंचे हैं जिसके ऊपर संख्या 5 लिखा हुआ है, एक ही कंचा है ऐसा, और टोटल कितने हैं ये कंचे? 6 हैं। और प्रायिकता हमने निकालनी है, प्रायिकता। अब प्रायिकता में आप यहां इसके बटे ये कर दोगे, बस यही प्रायिकता हमारी। तो इसमें भी आंसर क्या आया? 1/6। तो प्रायिकता दोनों तरह से लिखा जाता है। प्रायिकता में पूरा कह भी लिख सकते हैं, आधा कह भी लिख सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन है प्रायिकता के ऊपर ही, थर्ड है। यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी? क्योंकि कोई भी दोनों टीम जब ग्राउंड में होती है तो एक सिक्का उछाल के निर्णय लिया जाता है कि पहली टीम कौन सी प्रारंभ करेगी खेल को, और उस सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, या चित और पट। तो इसमें पूछा यह गया है कि क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो हम पहले वही आपको दो चीजों पर ले जाना चाहेंगे कि यहां दो चीज कौन सी है, अनुकूल परिणामों की संख्या
और दूसरा हमारा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। ये दो चीज हम इसमें से निकाल के उसके बाद हम प्रायिकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता का हमें पता है कि इसके बटे ये आना है। अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम ये देखना हमें, जो चीज निकालनी है, आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। आपकी टीम खेल प्रारंभ करने के लिए जो चीज आपने मांगी हैड या टेल, अगर वो आती है तो आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी, अन्यथा दूसरी टीम करेगी। तो यहाँ कितनी संभावना है आपने जो मांगा उसकी, वो तो एक ही है। जैसे आपने हेड मांगा तो हेड आने की कितनी संभावना, कितने अनुकूल परिणाम है, एक ही है। और कुल परिणाम उसमें कितने हैं, दो हैं, क्योंकि हेड या टेल दो है। तो प्रायिकता है, प्रायिकता हम क्या करते हैं, ये बटे ये करते हैं, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, तो यह आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से आप अपने देखा कि हम कितनी आसानी से प्रायिकता ज्ञात करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।